हेलो, इज इट कॉफी? तुम्हारे थैंक यू सो मच। ऑफिस से कौन आया था? सैरिश आई थी, कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराने थे। अरे पता नहीं सारे, मुझे वो लड़की थोड़ी सी सस्पिशियस टाइप लगती है। आई डोंट नो, एक ही दो दफा मिली हूँ उससे बस। ठीक ठाक तो है, अपने काम में भी बहुत अच्छी है, तो आई कांट कंप्लेन। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है जैसी वो नजर आती है ना, बिल्कुल वैसी नहीं है। Why have you felt anything? कुछ फील किया तुमने? फील कहो या सिक्स सेंस, मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती। देखो ना, जैसे तुमने मुझे बताया कि वो हाईली क्वालिफाइड है, इंटेलिजेंट भी है, देखने से लगता भी नहीं है कि उसको जॉब की जरूरत होगी। अपनी गाड़ी पे आती जाती है, फिर भी बीए की जॉब। वो तुम्हारे कहने से आंटी को डॉक्टर के पास भी ले गई। इनफैक्ट तुम्हें उसने खुद कहा कि वो आंटी को ले जाएगी। इतना परफेक्ट बिहेवियर मुझसे हजम नहीं होता। गुड गॉड, कितना टाइम और दिमाग है तुम लड़कियों के पास। इतना सब कुछ तो मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया। बाय द वे, सारे में ये सैरिश अपॉइंट कैसे हुई थी? वो अरीशा की बेस्ट फ्रेंड है, वो एक्सपीरियंस के लिए जॉब ढूंढ रही थी। मेरे पास पीए की जॉब वेकेंट थी तो मैंने रख लिया। वैसे वो पीए होने के साथ साथ बाकी मामलों में भी इंटरेस्ट लेती है, तो गुड फॉर मी, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। वैसे कितनी मजे की बात है ना, अरीशा जिसकी फैमिली की फर्म है वो जॉब में इंटरेस्टेड नहीं, उसकी दोस्त को एक्सपीरियंस चाहिए। इंटरेस्टेड? कम ऑन, हम भी क्या डिस्कस करना शुरू हो गए हैं यार। मैंने कौन सी रिश्तेदारी निभानी है, कौन सी मेरी खाला की बेटी है, वो एम्प्लॉई है, लेट इट बी। लेकिन मैं तो हूं ना खाला की बेटी। थैंक यू खाला की बेटी फॉर द कॉफी। रानी, रानी मुझे कॉफी ला के दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी सैरिश बीवी, अभी लेके आती हूँ। रानी जी बेगम मामा साहब। उठ गए? जी बेगम साहिबा गहरी नींद सो रही थी, मैं गई थी उनके रूम में, लेकिन उनको इस तरह सोता देख के जगाना मुनासिब नहीं समझा। अगर आप कहें तो मैं उठा देती हूँ उनको। नहीं, शायद दवाई का असर है, सोने दूंगी। जी क्या हुआ, क्या हुआ मम्मी को और आपको उठाने क्यों नहीं दे रही? परेशान मत हो, बस रात में उनकी शुगर हाई हो गई थी तो सो नहीं पाई थी। व्हाट, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया नहीं? आपको पता है कि उनकी डायबिटीज का मसला कितना सेंसिटिव है? सरिश तुम सो चुकी थी इसीलिए तो मैंने उठाया, मैं और पापा मामा के साथ थे। जी, और आप तो कोई मौका नहीं जाने देती अपने हाथ से नंबर बढ़ाने का। आपने सोचा होगा सरिश को क्यों उठाऊं, उसको उठाने की क्या जरूरत है? सरिश ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है सरिश, मैंने ताबिश को भी नहीं उठाया था। ओह माय गॉड, आपको लगता है कि उनकी सगी औलाद से ज्यादा परेशानी आपको होगी उनकी? वो आपकी मम्मी नहीं जो आपको उनकी फिक्र होगी।